brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack. Now I gotta roll with ice. Ride or die, ride or die, ride or die, ride or die. Cody's brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack. Now I gotta ride or die. ऑलराइट सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों मेरे पीछे दिख रही है माइटी Z650, तो इसकी तो क्या ही बात करें, क्योंकि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो आज इसको हम पूरा राइड करेंगे। और वैसे आज हमारे साथ है साकिब भाई, जो मेरी फ्यूरी चलाएंगे और मैं उनकी Z650 चलाने वाला हूँ। तो पूरा फन होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो, पावर पैक मिला है तो भाई पूरा मज़ा तो उठाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हमारे मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। बाइक की बात करें तो बाइक पूरी Z800 जैसी ही दिख रही है, बस अगर हेडलाइट पे ध्यान देंगे तो थोड़ा अलग डिफरेंस दिखता है, नहीं तो बाकी पूरी 800 जैसी लग रही है मेरे को। बाइक का एक बार आप लोगों को 360 व्यू दे देता हूँ पूरा। सो बाकी सच में यार छोटा वैगन बड़ा धमाका ही है ये। एक बार मैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट भी सुना देता हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि बाइक का एग्जॉस्ट बड़ा ही तगड़ा लगा है। काफ़ी लाउड है, काफ़ी। तो चलो ज़्यादा वेट नहीं कराते, फटाफट स्टार्ट करते ये बीस को, थोड़ा अनलीस करते। लिटरली यार ये तो छोटा वैगन बड़ा धमाका ही है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें पावर है ना भाई, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पावर है। क्योंकि बाइक इतनी कॉम्पैक्ट लगती है, मतलब Z800 के हिसाब से थोड़ा बड़ा बाइक लगता है, उस हिसाब से ये बहुत कॉम्पैक्ट लगती है, मतलब साइज़ में थोड़ी छोटी लगती है, बट पावर में कोई कमी नहीं है भाई। मतलब आप लोगों ने लिटरली देखा क्या पिकअप दे रही है, क्या ईजिली टॉप एंड खींच ले सकती है ये बाइक, मतलब। और रिफाइनमेंट की बात तो क्या ही करें, Kawasaki है भाई, Kawasaki में रिफाइनमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मतलब यमा के बाद, अगर यमा और होंडा के बाद अगर मेरे को कोई कंपनी पसंद आ रही है ना रिफाइनमेंट के लिए, तो भाई वो Kawasaki है, क्योंकि उनका रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल रहता है। और बाइक जो पीछे से पटाखे दे रही है ना, बाकी बाइक की बात करें तो बाइक में आती है 68 PS की पावर, 65 Nm का टॉर्क, डबल डिस्क ब्रेक आता है, ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, और 650 cc, और टू बी वेरी प्रिसाइज इज 649 cc। और 649 cc के हिसाब से इतना पावर भाई नेक्स्ट लेवल का है। मेरे को तो फुल फील आ रहा है कि भाई मैं 800 ही चला रहा हूँ। जब मैं नीचे देख रहा हूँ तब मेरे को मालूम पड़ रहा है कि भाई मैं 650 चला रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसका, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट सा है, मतलब बोल सकते हैं साइज़ में छोटा सा है, क्योंकि 800 का बहुत बल्की लगता है। मगर बस बाकी कुछ कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। कड़क पावर है, कड़क। स्टील ये रोड ओपन नहीं है इसलिए मेरे को इतना नहीं उसको रश के, मतलब बोलते ना इतना उसको रेव करने नहीं मिल रहा है, बट भाई साहब जो पावर है ना,
इजीली बाइक ने 160 162 टच कर लिया था। वाह यार, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। इसके लिए कावासाकी की बाइक्स भाई, क्या ही बात करें उन बाइक्स की। सो आप लोग मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको ये बाइक कैसी लग रही है? अभी तो और है ब्लॉग पूरा बाइक का भाई, इतना सही पॉकेट रॉकेट मिला है तो इसका मज़ा तो पूरा उठाएंगे हम लोग। अभी तो और भगा के देखेंगे। बाकी टूरिंग पर्पज़ करना है ना भाई, आप लॉन्ग राइड मारना चाहते हो ना, बिंदास बिंदास मार सकते हो ये बाइक के ऊपर। अच्छा खासा कंफर्ट है ये बाइक पे। राइडिंग पोस्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एकदम आराम से आप एकदम आराम से लॉन्ग राइड मार सकते हो। बाकी व्यू तो देखो क्या सही सनराइज है। जैसे सब लोगों को पता है Z800 मेरी फेवरेट बाइक है, बट अगर उसको कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो भाई ये ले सकते हैं। पावर के बारे में भाई, बट आफ्टर ऑल Z800 है यार, लुक वो बाइक का लुक ही खा जाता है, बाकी तो छोड़ ही दो पावर वगैरह। क्योंकि अगर नेकेड की नेकेड बाइक कैटेगरी में अगर बात करें ना तो 800 भाई तगड़ी बाइक है, तगड़ी। क्योंकि उसका जो शार्प लुक है ना बस, और बाइक पटाखे क्या फोड़ रही है यार, क्या ही बात करूं पटाखों की। तो रेव करके देख सकते हैं ये रोड पे, क्योंकि आगे भी जो रोड आएगा वो खाली रहता है पूरा। तो चलो थोड़ा रेव करके देखते हैं। करूँ यार इसकी तो, मतलब बोल दे ना लव फर्स्ट साइड होने लग गया मेरे को इससे तो। वैसे पता नहीं हमेशा तो ये रोड खाली रहता है, आज कैसे थोड़े लोग दिख रहे हैं इधर, बट स्टिल इजीली 165 टच कर लिया था यार। भाई साहब पावर बाकी माननी पड़ेगी। तो आप लोगों को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये रॉकेट कैसी लगी आपको, क्योंकि मेरे को तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि पावर भाई साहब जो खींचती है ना बाइक, अगर नेकेड बाइक में कोई बात करे ना 600 सीसी में,
तो भाई साहब बिंदास ये बाइक के ले जाओ क्योंकि बहुत पावरफुल बाइक है। और बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये बाइक और ब्लॉग दोनों पसंद आया होगा। अगर आपको पता है ब्लॉग पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।